हरामखोरपणा आहे होय, हरामखोरपणा आम्ही म्हणतोय. जरा ते जय श्रीराम म्हणतात ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय. ते जय श्रीराम म्हणतात ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय. नमस्कार, वंदे मातरम. मैं हूं श्यामगिरी. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का. मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका. मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का. जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय जो है उद्धव ठाकरे जी एकदम अलग थलग पड़े हुए हैं और अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं. यानी अभी हाल ही में उन्होंने कहा, एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब जय श्री राम लोग बोलते हैं मेरे को बहुत गुस्सा आता है. यानी जय श्री राम मत बोलो, जय हराम बोलो. ये उद्धव जी क्या हो गया आपको? आप शिवसैनिक, कट्टर शिवसैनिक, बाला साहेब की शिवसैनिक हो आप इस तरह की बात कर रहे हो? जय हराम क्या, कैसे वोट देंगे लोग? मतलब महाविकास आघाड़ी में भी तो हिंदू तो लोग वोट करेंगे. तो क्या कहा जाए? अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हमको एनडीए से मतलब कि निकाल दिया गया है, मैं एनडीए नहीं छोड़ा हूँ. मतलब एक तरह से दिख रहा था साफ साफ कि उनको जो है एनडीए में आना है, मतलब आने की संभावना बन रहा था. उन्होंने मोदी जी को भी तारीफ करनी शुरू की थी, लेकिन अचानक क्या हो गया उनको? जय श्री राम मत बोलो, जय हराम. तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा कर लेंगे. हमारे साथ में है शिवप्रकाश मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नवभारत के, और हम इनसे जानेंगे कि उद्धव जी का जो इस समय स्थिति है, मन स्थिति है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी बौखलाहट है, उसके बारे में क्या कहेंगे. सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में मुद्दा भारत का. में क्या कहेंगे सर उद्धव जी के बारे में? देखा जाए तो चिन्ह गया, पद गया, मतलब पार्टी चली गई, लोग चले गए उनके, और अभी भी उनकी जो हैकड़ी है वैसी, मतलब अनाप शनाप. एक बार आदमी का जब नुकसान कुछ चीज का हो जाता है तो फूक फूक के चलता है कि कहीं जो हमारे लोग बचे हुए हैं वो कहीं ना चले जाएं. उनके नेता तो आए दिन जो है चले जा ही रहे हैं, अब क्या वोटर्स भी चले जाए ऐसा चाहते हैं वो? देखिए, आपने उद्धव जी की बात की जी. मैं तो इस समय पूरे महाराष्ट्र की बात कर सकता हूँ, बात कर रहे हैं हम लोग. लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, ये सारी चीज़ें. और पिछले एक सालों से क्या डेढ़ सालों से जो पिछले जो महाराष्ट्र की राजनीति है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में जितने ज़्यादा उलट फेर हुए हैं और जिस तरीके से पार्टियों का विभाजन हुआ है, तो उसमें तो ये बात तय है कि उद्धव ठाकरे जी की खीज जो है वो साफ नजर आ रही है. एक तरह से कहा ना जाता है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वो ठीक है. उद्धव जी को संवेदनशील नेता माना जाता रहा है, काफ़ी उन्होंने बाला साहब के बाद वो उनके राजनीतिक वारिस बने, उन्होंने चलाया. इसके बाद की जो स्थितियां आई वो लोगों के सामने है. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के रूप में इतना बड़ा विभाजन हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन हुआ शिवसेना का, और उनको एक तरह से अलग थलग को पड़ गए, इसमें कोई संदेह नहीं. लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पिछले एक साल से जो महाविकास आघाड़ी के नाम पे या इंडिया के नाम पर एक जोड़ने का प्रयास किया था, वो प्रयास भी उनका अब असफल दिखने लगा है. तो उसकी खींच कहीं ना कहीं उनके भाषणों में, उनके संबोधन में दिखाई देती है. और जहां तक शिवसेना की बात करते हैं, अभी देखिए, अब नासिक में बबन राव घोलप जैसे एक नेता थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है. और रविंद्र वायकर जी थोड़े तैयारी में पूरी थोड़े तरकारी है, वो ठीक है राजनीति. लेकिन जिस तरीके से उनकी जो भाषा बदली हुई है, इससे सीधा सीधा नजर आता है कि कहीं ना कहीं उनको अंदर से भी अब काफी तकलीफ होने लगी. उसका एक ही कारण नहीं है. आप जय श्री राम और जो हराम की बात किए, वो तो बात बिल्कुल अपनी जगह, एक अलग तरीका है उसका, क्योंकि राम के ही तो सहारे श्री राम, ये बाला साहब ठाकरे की एक तरीके से उनकी एक ये नारा था उनका, और उन्होंने इस हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य किया था. इवन राम मंदिर का जब आंदोलन चला तो ये हुआ कि भाई हमारे शिवसैनिकों ने ही मस्जिद को शहीद किया है, ढाई है जो भी है उसका, तो गर्व है, गर्व का उन्होंने कहा, हमें गर्व है. लेकिन जो उद्धव जी की जो एक छवि बन रही थी अब कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली, जो आपने कहा ना सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनी कि सबको साथ में लेकर चलने वाले की, उन्होंने कहा देखिए, एक समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो बहुत बड़े लीडर थे, इसमें संदेह नहीं, उनका बहुत बड़ा कैनवास था पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, तो उन्हीं के
ढर्रे पे चलकर सोचे कि भाई देखिए हम ऐसी नीति बनाएंगे कि कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया और राष्ट्रवादी इसको लेकर चले। आखिरकार राष्ट्रवादी का भी विभाजन हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर उनका विभाजन हुआ। उसके साथ साथ अभी 2-3-4 दिन की घटनाएं देखें, अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी बीजेपी में आए, तो ये सारी बौखलाहट उनके अंदर भी नजर आ रही कि हमने ये कोशिश की है कि भाई कम से कम महाराष्ट्र में ही एक आघाड़ी बनाने की कोशिश की है और उसमें उद्धव जी सोच रहे थे कि इसमें हमें सफलता मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इन सब जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं तो वो उनको नजर नहीं आया और उसका सारी खींच जो बीजेपी पर ही उतार रहे हैं। आप देखते होंगे गाहे बगाहे बीजेपी पे उनकी खेज उतर रही है, राम के नाम पे, कभी मोदी जी के नाम पे, कभी प्रशंसा भी करते हैं तो फिर उनकी खींच फिर से उनको ताजा जाती है, उनकी जो उनके जख्म ताजा हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। जो वो कर रहे हैं ना, ये इससे नुकसान है, सारा नुकसान है और उनको ये लगने लगा है कि अब तो और भी समस्याएं पैदा, अब तो हमारे में फूट डाली थी इन्होंने राष्ट्रवादी में, अब कांग्रेस में भी फूट उन्होंने पूरी तरह डाली नहीं, कुछ तीनों पार्टी की महाविका तगाड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की थी, उन्होंने देखिए अंबेडकर को भी, जो प्रकाश अंबेडकर जी को भी उन्होंने साथ में लेकर कोशिश की। ये कोशिश उद्धव ने राजनीतिक रूप से अपनी परिपक्वता दिखाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी को लिया, लेकिन ये सब बिखर रहे हैं धीरे धीरे, तो इससे उनकी खींच जो है बढ़ती जा रही है। इसमें मुझे लगता है बड़ा कारण है कि ये सब क्या हो रहा है, उनको लग रहा है ये सब के पीछे बीजेपी है, बीजेपी का कर रही है। अब इन सबको एक साथ ले आना मुश्किल लग रहा है और उसमें भी उनको ये लगता है कि अब ये जो नई कोशिश हमारी बनेगी, अब इसमें बहुत देर हो चुकी है एक तरह से। आप देख लीजिए, मैं समझता हूँ जहाँ गिरिजी बीजेपी जो है ना वो चार बोलते हैं ये इंडिया, हम हिंद की बात करते हैं, उन्होंने HIND हिंद, हिंद की मतलब यच से हिंदुत्व, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई से, यन से नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, और डी से डिलीवरी। उनके जो चारों कोने हैं ना, जो उनके मिशन, वो मिशन जो है वो एकदम सही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही जो इनका मिशन जो था ये फेल होता दिखाई दे रहा है। और देश में तो नंबर वन पार्टी तो हम कोई भी कह सकता है कि बीजेपी है, तो बिल्कुल। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र की जहां तक बात थी, तो महाराष्ट्र के अभी पिछले दिनों आपने सर्वे भी देखा होगा, कुछ सर्वे दिखा है कि महाराष्ट्र में जो है इससे बावजूद भी, दोनों पार्टियों के टूट के बावजूद भी महाराष्ट्र में बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। 22 और 26 के आंकड़े, वो आंकड़े अलग तरीके से दिखाए गए हैं, जो भी है वो तो बात, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकी बौखलाहट है या जो बयान दे रहे हैं उद्धव जी, ये कहीं मतलब एक तरीके से जनता के मन में नहीं बैठ पा रहा है। और उनका इसलिए नहीं बैठ पा रहा है कि इनके जो आपस के जो रिश्ते हैं, भले उन्होंने कोशिश की लेकिन आपस के रिश्ते एकदम बिल्कुल टूटते फूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि माननीय शरद चंद्र पवार जी इस समय मतलब राजनीतिक एक तरीके से हासिए नहीं कहेंगे आप, लेकिन राजनीतिक बहुत बड़ी राजनीतिक तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन पर राजनीतिक संकट तो है ही है। अब उनको फिर सुप्रीम कोर्ट का अभी कल ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनके सारे जो है दावे नकार दिए, तो जिस तरीके से और उधर माननीय एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के जो इस समय प्रमुख भी हैं, मुख्य नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं, उनका काम चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कोल्हापुर में भी कल देखी होगी उनकी सभा, बहुत अच्छे तरीके से उनका अधिवेशन हुआ, आज उनकी सभा है। तो मिश्रा जी यहाँ पर एक चीज बताइए कि अभी बीच में चर्चा थी कि सहानुभूति वाली जो वोट है जो है वो बाला साहेब के नाम से जो है उद्धव ठाकरे को पड़ी, और उद्धव ठाकरे जी वापस जो है एक अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे और एक अच्छी पार्टी बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो अभी वक्तव्य कर रहे हैं श्री राम हराम, नहीं वही ये सब चीजें, वही बात है, क्या लगता है कि बाला साहब क्या सुनेंगे नहीं? बाला साहब ठाकरे जो है हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक माने जाते हैं। हिंदुत्व की जहां बात आती है, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बाला साहब, तो वो जो सारी चीजें हैं उनका, वो बोले ना माननीय एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि भाई उनकी संपत्ति के आप वारिस हो जाइए लेकिन उनकी राजनीतिक वारिस हम लोग हैं, अब नहीं हो सकते, उनकी राजनीतिक वारिस जो है हम शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ है। तो वो कोशिश भले कर रहे हैं अपने उद्धव जी कि भाई इस किस तरीके से इनको काटा जाए किस तरीके से, लेकिन उसमें वो सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जहां जितना ही ज्यादा वो हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुत्व पर हमले की बात करेंगे या जय श्री राम की बात जो कहे आप, और उस तरीके से जो बीजेपी का जो एजेंडा है उस पर जितना भी वो विरोध की बात करेंगे, उतना ही ज्यादा उनका एक तरीके से नुकसान होगा। वो
अपनी बात करें, लोगों को लेकर चलने की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महाराष्ट्र में जो भी और समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, इन आंदोलन भी देखिए, मराठा आंदोलन और ओबीसी देखिए, राजनीति जो है एक गणित है, गणित है, ये राजनीति गणित से चलती है, इसका समीकरण होता है। आप केवल 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 और केवल किसी एक मुद्दे को लेकर, किसी एक मुद्दे को कोस कर या भगवान राम के नाम पर या उसके नाम पर नहीं, इसलिए हमने कहा ना, बीजेपी की चारों तरफ से रणनीति, वो डिलीवर भी कर रही है, वो हिंदुत्व की बात कर रही है, वो राष्ट्रीयता की बात कर रही है, वो इंफ्रा की बात भी कर रहे हैं, तो विकास की बात कर रहे हैं। तो आप उस विकास को टैकल करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए आपको ऐसे कुछ मुद्दों की आवश्यकता पड़ेगी। केवल भगवान राम के मुद्दे पर आप बोलने से या उनके दुश्मन उनके आलोचना करने से या कोई श्री राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है या सीताराम बोलता है, इससे बोलना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों के जो मन में है वो रहेगा। तो आखिर में क्या कहेंगे सर, क्या जो अभी क्या देख रहे हैं कि क्या स्थिति में जाएंगे, मतलब कि अभी लोकसभा चुनाव है, तो अभी तो किसी का भवितव्य जो देखिए, हम तो वही कह रहे हैं ना कि दो साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं ना, नगर पालिका के इलेक्शन हुए, ना जिला परिषद के हुए, लोकसभा का इलेक्शन पहला, अभी इसी लोकसभा के इलेक्शन में कौन कितने पानी, लोकसभा में तो इनकी मतलब की क्या परीक्षा तो नहीं हो सकता, लेकिन विधानसभा में जो परीक्षा, असली परीक्षा नहीं, लोकसभा में भी बड़ी परीक्षा की घड़ी है सर। लोकसभा बहुत बड़ी परीक्षा वाली घड़ी है, क्योंकि अगर ये तीनों एक साथ, अगर महाविकास आघाड़ी आती और ओटो का अगर इनके एक ध्रुवीकरण होता, तो इससे इसका असर अगले विधानसभा पर भी पड़ सकता था। लेकिन जब लोकसभा में ऐसी स्थिति रहेगी तो विधानसभा भी उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी जनता की अदालत में ही है, ये लोकसभा में ही इनकी जो परीक्षा है, ये इनका आगे का भविष्य निश्चित रूप से तय करने वाली है। धन्यवाद सर। तो ये भविष्य जो है काफी कुछ तय करेगा लोकसभा चुनाव। तो हम चर्चा कर रहे थे उद्धव जी के बारे में, जो उन्होंने अनाशनाप जो वक्तव्य की है, तो आपको क्या लगता है कि उद्धव जी के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। यहाँ पर एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सहयोगी अनिल खत्ते जी हैं, उनको थोड़ा सा तबियत का प्रॉब्लम हुआ है, उनको हार्ट में थोड़ी सी ब्लॉकेज आ गई थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ है, तो कई दिन तक जो है हमारे साथ में नहीं आ सकेंगे। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए और आप लोगों के बीच में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।